लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी तगादा। वाचन समीर गोस्वामी का है। सेठ चेतराम ने स्नान किया, शिवजी को जल चढ़ाया, दो दाने मिर्च चबाए, दो लोटे पानी पिया और सोटा लेकर तगादे पर निकले। सेठ जी की उम्र कोई 50 की थी। सिर के बाल झड़ गए थे और खोपड़ी ऐसी साफ सुथरी निकल आई थी जैसे ऊसर खेत। आपकी आंखें थीं तो छोटी लेकिन बिल्कुल गोल। चेहरे के नीचे पेट था और पेट के नीचे टांगें, मानो किसी पीपे में दो मेखें गाड़ दी गई हों। लेकिन ये खाली पीपा न था, इसमें सजीवता और कर्मशीलता कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी बाकीदार आसामी के सामने इस पीपे का उछलना कूदना और पैंतरे बदलना देखकर किसी नट का चिगिया भी लज्जित हो जाता। ऐसी आंखें लाल पीली करते, ऐसे गरजते कि दर्शकों की भीड़ लग जाती थी। उन्हें कंजूस तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब वो दुकान पर होते तो हर एक भिखमंगे के सामने एक कौड़ी फेंक देते। हाँ, उस समय उनके माथे पर कुछ ऐसा बल पड़ जाता, आंखें कुछ ऐसी प्रचंड हो जाती, नाक कुछ ऐसी सिकुड़ जाती कि भिखारी फिर उनकी दुकान पर ना आता। लहने का बाप तगादा है, इस सिद्धांत के वो अनन्य भक्त थे। जलपान करने के बाद संध्या तक वो बराबर तगादा करते रहते थे। इसमें एक तो घर का भोजन बचता था, दूसरे असामियों के माथे दूध पूरी मिठाई आदि पदार्थ खाने को मिल जाते थे। एक वक्त का भोजन बच जाना कोई साधारण बात नहीं है। एक भोजन एक आना भी रख लें तो केवल इसी मद में उन्होंने अपने 30 वर्षों के महाजनी जीवन में कोई 800 रुपये बचा लिए थे। फिर लौटते समय दूसरी बेला के लिए भी दूध दही तेल तरकारी उपले ईंधन मिल जाते थे। बहुधा संध्या का भोजन भी न करना पड़ता था, इसलिए तगादे से न चूकते थे। आसमान फटा पड़ता हो, आग बरस रही हो, आंधी आती हो, पर सेठ जी प्रकृति के अटल नियम की भांति तगादे पर जरूर निकल जाते। सेठानी ने पूछा, भोजन? सेठ जी ने गरज कर कहा, नहीं। सांझ का? आने पर देखी जाएगी। सेठ जी के एक किसान पर 5 रुपये आते थे। 6 महीने से दुष्ट ने सूद ब्याज कुछ न दिया था और न कभी कोई सौगात लेकर हाजिर हुआ था। उसका घर 3 कोस से कम न था, इसलिए सेठ जी टालते आते थे। आज उन्होंने उसी गांव चलने का निश्चय कर लिया। आज बिना दुष्ट से रुपए लिए न मानूंगा, चाहे कितना ही रोए घिघियाए, मगर इतनी लंबी यात्रा पैदल करना निंदास्पद था। लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन थोड़े, कहलाते सेठ चलते हैं पैदल। इसलिए मंथर गति से इधर उधर ताकते राहगीरों से बात करते चले जाते थे कि लोग समझे वायु सेवन करने जा रहे हैं। सहसा एक खाली इक्का उनकी तरफ जाता हुआ मिल गया। इक्केवान ने पूछा, कहाँ लाला, कहाँ जाना है? सेठ जी ने कहा, जाना तो कहीं नहीं है, 2 परख तो और हैं, लेकिन लाओ बैठ जाए। इक्केवाले ने चुभती हुई आंखों से सेठ जी को देखा। सेठ जी ने भी अपनी लाल आंखों से उसे घूरा। दोनों समझ गए, आज लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इक्का चला। सेठ जी ने पहला वार किया, कहाँ घर है मियाँ साहब? घर कहाँ है हुजूर, जहां पढ़ रहा हूं वहीं घर है। जब घर था तब था, अब तो बेघर हूं बेदर हूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बेपर हूं। तकदीर ने पर काट लिए, लंडूरा बनाकर छोड़ दिया। मेरे दादा नवाबी में चकलेदार थे हुजूर, 7 जिले के मालिक, जिसे चाहे तो दम कर दें, फांसी पर लटका दें। निकलने के पहले लाखों की थैलियां नजर चढ़ जाती थी हुजूर, नवाब साहब भाई की तरह मानते थे। एक दिन वो थे, एक दिन ये हैं कि हम आप लोगों की गुलामी कर रहे हैं, दिनों का फेर है। सेठ जी को हाथ मिलाते ही मालूम हो गया, पक्का फिकैत है, अखाड़ेबाज। इससे पेश पाना मुश्किल है, पर अब तो कुश्ती बद गई थी, अखाड़े में उतर पड़े थे। बोले, तो ये कहो कि बादशाही घराने के हो, ये सूरत ही गवाही दे रही है। दिनों का फेर है भाई, सब दिन बराबर नहीं जाते। हमारे यहाँ लक्ष्मी को चंचला कहते हैं, बराबर चलती रहती है। आज मेरे घर, कल तुम्हारे घर। तुम्हारे दादा ने रुपए तो खूब छोड़े होंगे। इक्के वाला, अरे सेठ, उस दौलत का कोई हिसाब ना था, न जाने कितने तहखाने भरे हुए थे, बोरों में सोने चांदी के डले रखे हुए थे, जवाहरात टोकरियों में भरे पड़े थे।
एक एक पत्थर 50-50 लाख का, चमक दमक ऐसी थी कि चिराग मात। मगर तकदीर भी तो कोई चीज है। इधर दादा का 40वां हुआ, उधर नवाबी बुर्द हुई, सारा खजाना लुट गया। छकड़ों पर लाद लाद कर लोग जवाहरात ले गए। फिर भी घर में इतना बच रहा कि अब्बा जान ने जिंदगी भर ऐश किया। ऐसा ऐश किया कि क्या कोई भकुआ करेगा। 16 कहारों के सुखपाल पर निकलते थे, आगे पीछे चौबदार दौड़ते चलते थे। फिर भी मेरे गुजर भर को उन्होंने बहुत छोड़ा। अगर हिसाब किताब से रहता तो आज भला आदमी होता, लेकिन रईस का बेटा रईस ही तो होगा। एक बोतल चढ़ाकर बिस्तर से उठता था, रात रात भर मुजरे होते रहते थे। क्या जानता था ये एक दिन ये ठोकर खानी पड़ेगी। सेठ, अल्लाह मियाँ का शुक्र करो भाई कि ईमानदारी से अपने बाल बच्चों की परवरिश तो करते हो, नहीं तो हमारे तुम्हारे कितने ही भाई रात दिन कुकर्म करते रहते हैं, फिर भी दाने दाने को मोहताज हैं। ईमान की सलामती चाहिए, नहीं दिन तो सभी के कट जाते हैं। दूध रोटी खाकर कटे तो क्या, सूखे चने चबाकर कटे तो क्या, बड़ी बात तो ईमान है। मुझे तो तुम्हारी सूरत देखते ही मालूम हो गया था कि नीयत के साफ सच्चे आदमी हो। बेईमानों की तो सूरत ही से फटकार बरसती है। इक्के वाला, सेठ जी आपने ठीक कहा कि ईमान सलामत रहे तो सब कुछ है। आप लोगों से 4 पैसे मिल जाते हैं, वही बाल बच्चों को खिला पिला कर पढ़ रहता हूँ। हुजूर और इक्के वालों को देखिए तो कोई किसी मर्ज में मुब्तिला है तो कोई किसी मर्ज में। मैंने तौबा बोला, ऐसा काम ही क्यों करें कि मुसीबत में फंसे। बड़ा कुनबा है हुजूर, माँ है, बच्चे हैं, कई बेवाएं हैं और कमाई यही इक्का है, फिर भी अल्लाह मियाँ किसी तरह निभाहे जाते हैं। सेठ, वो बड़ा कारसाज है खां साहब, तुम्हारी कमाई में हमेशा बरकत होगी। इक्के वाला, आप लोगों की मेहरबानी चाहिए। सेठ, भगवान की मेहरबानी चाहिए। तुमसे खूब भेंट हो गई, मैं इक्के वालों से बहुत घबराता हूँ, लेकिन अब मालूम हुआ अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। तुम्हारे जैसा सच्चा दीनदार आदमी मैंने नहीं देखा। कैसी साफ तबीयत पाई है तुमने कि वाह। सेठ जी की ये लच्छेदार बातें सुनकर इक्के वाला समझ गया कि महाशय परले सिरे के बैठक बाज हैं, ये सिर्फ मेरी तारीफ करके मुझे चकमा दिया चाहते हैं, अब और किसी पहलू से अपना मतलब निकालना चाहिए। इनकी दया से तो कुछ ले मरना मुश्किल है, शायद इनसे भय से कुछ ले मरूं। बोला, मगर लाला ये ना समझिए कि मैं जितना सीधा और नेक नजर आता हूं उतना सीधा और नेक हूं भी। नेकी के साथ नेक हूं और बुरों के साथ पक्का बदमाश हूं। यूं कहिए कि आपकी जूतियां सीधी कर दूं, लेकिन किराए के मामले में किसी के साथ रियायत नहीं करता। रियायत करूं तो खाऊं क्या। सेठ जी ने समझा था इक्के वाले को हत्थे पर चढ़ा लिया, अब यात्रा निर्विघ्न और निःशुल्क समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये अलाप सुना तो कान खड़े हुए। बोले, भाई रुपए पैसे के मामले में मैं भी किसी से रियायत नहीं करता, लेकिन कभी कभी जब यार दोस्तों का मामला आ पड़ता है तो झक मारकर दबना ही पड़ता है। तुम्हें भी कभी कभी बल खाना ही पड़ता होगा। दोस्तों से बेमुरव्वती तो नहीं की जाती। इक्के वाले ने रूखेपन से कहा, मैं किसी के साथ मुरव्वत नहीं करता। मुरव्वत का सबक तो उस्ताद ने पढ़ाया ही नहीं। एक ही चंचूल है, मजाल क्या कि कोई एक पैसा दबा ले। घरवाली तक को तो मैं एक पैसा देता नहीं, दूसरों की बात ही क्या है। और इक्के वाले अपने महाजन की खुशामद करते हैं, उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। यहाँ महाजनों को भी धता बताता हूँ, सब मेरे नाम को रोते हैं, रुपए लिए और साफ डकार गया। देखें अब कैसे वसूल करते हो बच्चा, नालिश करो, घर में क्या धरा है जो ले लोगे। सेठ जी को मानो जूड़ी चढ़ाई, समझ गए ये शैतान बिना पैसे लिए न मानेगा। जानते कि ये विपत्ति गले पड़ेगी तो भूल कर भी इक्के पर पाँव न रखते। इतनी दूर पैदल चलने में कौन पैर टूटे जाते थे। अगर इस तरह रोज पैसे देने पड़े तो फिर लेन देन कर चुका। सेठ जी भक्त जीव थे, शिवजी को जल चढ़ाने में जब से होश संभाला एक नागा भी न किया। क्या भक्तवत्सल शंकर भगवान इस अवसर पर मेरी सहायता न करेंगे। इष्ट देव का सुमिरन करके बोले, खां साहब और किसी से चाहे ना दबो, पर पुलिस से तो दबना ही पड़ता होगा, वो तो किसी के सगे नहीं होते। इक्के वाले ने कह कहा मारा, कभी नहीं, उनसे उल्टे और कुछ ना कुछ वसूल करता हूं। जहां कोई शिकार मिला
झट सस्ते भाड़े बिठाता हूं और थाने पर पहुंचा देता हूं। किराया भी मिल जाता है और इनाम भी। क्या मजाल के कोई बोल सके? लाइसेंस नहीं लिया आज तक? लाइसेंस मजे में सदर में इक्का दौड़ाता फिरता हूं, कोई साला चू नहीं कर सकता। मेले ठेलों में अपनी खूब बनाती है, अच्छे अच्छे माल चुनकर कुतवाली पहुंचाता हूं। वहां कौन किसी की दाल गलती है? जिसे चाहे रोक लें, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 20 बहाने हैं। कह दिया शक था कि ये औरत को भगाए लिए जाता है, फिर कौन बोल सकता है? साहब भी छोड़ना चाहें तो नहीं छोड़ सकते। मुझे सीधा ना समझिएगा, एक ही हरामी हूं। सवारियों से पहले किराया तय नहीं करता, ठिकाने पर पहुंचकर एक के दो लेता हूं। जरा भी ची चपड़ किया तो आस्तीन चढ़ा पैतरी बदलकर खड़ा हो जाता हूं। फिर कौन है जो सामने ठहर सके? सेठ जी को रोमांच हो गया। हाथ में एक सोटा तो था पर उसका व्यवहार करने की शक्ति का उनमें अभाव था। आज बुरे फंसे, न जाने किस मनहूस का मुंह देखकर घर से चले थे। कहीं ये दुष्ट उलझ पड़े तो 10-5 दिन हल्दी सौंठ पीना पड़े। अब से भी कुशल है, यहां उतर जाऊं जो बच जाए वही सही। भीगी बिल्ली बनकर बोले, अच्छा अब रोक लो खां साहब, मेरा गांव आ गया, बोलो तुम्हें क्या दे दूं। इक्के वाले ने घोड़ी को एक चाबुक लगाया और निर्दयता से बोला, मजूरी सोच लो भाई, तुमको ना बिठाया होता तो 3 सवारियां बिठा लेता। 3-4 आने भी देते तो 12 आने हो जाते, तुम 8 ही आने दे दो। सेठ जी की बधिया बैठ गई। इतनी बड़ी रकम उन्होंने उम्र भर इस मद में नहीं खर्च की थी। इतनी सी दूर के लिए इतना किराया वो किसी तरह न दे सकते थे। मनुष्य के जीवन में एक ऐसा अवसर भी आता है जब परिणाम की उसे चिंता नहीं रहती। सेठ जी के जीवन में ऐसा ही अवसर था। अगर आने दो आने की बात होती तो खून का घूंट पीकर दे देते, लेकिन 8 आने के लिए कि जिसका द्विगुण एक कलदार होता है, अगर तू तू मैं ही नहीं हाथापाई की भी नौबत आए तो वो करने को तैयार थे। ये निश्चय करके वो दृढ़ता के साथ बैठे रहे। सहसा सड़क किनारे एक झोपड़ा नजर आया, इक्का रुक गया। सेठ जी उतर पड़े और कमर से एक द्वन्नी निकालकर इक्केवान की ओर बढ़ाई। इक्केवान ने सेठ जी के तेवर देखे तो समझ गया ताव बिगड़ गया, चाशनी कड़ी होकर कठोर हो गई। अब वो दांतों से लड़ेगी, इसे चुबलकर ही मिठास का आनंद लिया जा सकता है। नम्रता से बोला, मेरी ओर से इसकी रेवड़ियां लेकर बाल बच्चों को खिला दीजिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। सेठ जी ने एक आना और निकाला और बोले, बस अब जबान न हिलाना, एक कौड़ी भी बेसी न दूंगा। इक्के वाला, नहीं मालिक, आप ही ऐसा कहेंगे तो हम गरीबों के बाल बच्चे कहां से पलेंगे, हम लोग भी आदमी पहचानते हैं हुजूर। इतने में झोपड़ी से एक स्त्री गुलाबी साड़ी पहने पान चबाती हुई निकल आई और बोली, आज बड़ी देर लगाई। एकाएक सेठ जी को देखकर बोली, अच्छा आज लाला जी तुम्हारे इक्के पर थे, फिर आज तुम्हारा मिजाज काहे को मिलेगा, एक चेहरे शाही तो मिली ही होगी, इधर बढ़ा दो सीधे से। ये कहकर वो सेठ जी के समीप आकर बोली, आराम से चरपैया पर बैठो लाला, बड़े भाग थे कि आज सवेरे सवेरे आपके दर्शन हुए। उसके वस्त्र मंद मंद महक रहे थे। सेठ जी का दिमाग ताजा हो गया, उसकी ओर कनखियों से देखा, औरत चंचल बांकी कटीली तेज तर्रार थी। सेठानी जी की मूर्ति आंखों के सामने आ गई, भद्दी थल थल पिल पिल, पैरों में बिवाएं फटी हुई, कपड़ों से दुर्गंध उड़ती हुई। सेठ जी नाम मात्र को भी रसिक न थे, पर इस समय आंखों से हार गए। आंखों को उधर से हटाने की चेष्टा करके चारपाई पर बैठ गए। अभी कोस भर की मंजिल बाकी है, इसका ख्याल ही न रहा। स्त्री एक छोटी सी पंखिया उठा लाई और सेठ जी को झलने लगी। हाथ की प्रत्येक गति के साथ सुगंधा का एक झोंका आकर सेठ जी को उन्मत्त करने लगा। सेठ जी ने जीवन में ऐसा उल्लास कभी अनुभव न किया था। उन्हें प्रायः सभी घृणा की दृष्टि से देखते थे। चोला मस्त हो गया, उसके हाथ से पंखिया छीन लेनी चाहिए। तुम्हें कष्ट हो रहा है, लाओ मैं झल लूं। ये कैसी बात करते हैं लाला जी, आप हमारे दरवाजे पर आए हैं, क्या इतनी खातिर भी ना करने दीजिएगा? और हम किस लायक हैं, इधर कहीं दूर जाना है, अब तो बहुत देर हो गई, कहाँ जाइएगा? सेठ जी ने पापी आंखों को फेर कर और पापी मन को दबाकर कहा, यहां से थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहीं जाना है, सांझ को इधर ही से लौटूंगा। सुंदरी ने प्रसन्न होकर कहा, तो फिर आज यहीं रहिएगा,
सांझ को फिर कहाँ जाइएगा? एक दिन घर के बाहर की हवा भी खाइए, फिर न जाने कब मुलाकात होगी। इक्के वाले ने आकर सेठ जी के कान में कहा, पैसे निकालिए तो दाने चारे का इंतजाम करूं। सेठ जी ने चुपके से अठन्नी निकाल कर दे दी। इक्के वाले ने फिर पूछा, आपके लिए कुछ मिठाई लेता हूं? यहां आपके लायक मिठाई तो क्या मिलेगी, हाँ मुंह मीठा हो जाएगा। सेठ जी बोले, मेरे लिए कोई जरूरत नहीं, हाँ बच्चों के लिए ये चार आने की मिठाई लेवाते लाना। चवन्नी निकालकर सेठ जी ने उसके सामने ऐसे गर्व से फेंकी, मानो इसकी उनके सामने कोई हकीकत नहीं है। सुंदरी के मुंह का भाव तो देखना चाहते थे, पर डरते थे कि कहीं वो ये ना समझे लाला चवन्नी क्या दे रहे हैं, मानो किसी को मोर ले रहे हैं। इक्के वाला चवन्नी उठाकर जा ही रहा था कि सुंदरी ने कहा, सेठ जी की चवन्नी लौटा दो, लपक कर उठा ली, शर्म नहीं आती? ये मुझसे रुपया ले लो, आठ आने की ताजी मिठाई बनवा कर लाओ। उसने रुपया निकाल कर फेंका। सेठ जी मारे लाज के गड़ गए। एक इक्के वान की भटियारिन जिसकी टके की भी औकात नहीं, इतनी खातिरदारी करे कि उनके लिए पूरा रुपया निकाल कर दे दे, ये भला वो कैसे सह सकते थे। बोले, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम अपना रुपया रख लो। रसिक आंखों को तृप्त करके बोले, मैं रुपया देता हूं, ये लो आठ आने की ले आना। इक्केवान तो उधर मिठाई और दानाचारी की फिक्र में चला। इधर सुंदरी ने सेठ से कहा, वो तो अभी देर में आएगा लाला, तब तक पान तो खाओ। सेठ जी ने इधर उधर ताक कर कहा, यहां तो कोई तंबोली नहीं है? सुंदरी उनकी ओर कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखकर बोली, क्या मेरे लगाए पान तंबोली के पानों से भी खराब होंगे? सेठ जी ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं, तुम मुसलमान हो ना? सुंदरी ने विनोदमय आग्रह से कहा, खुदा की कसम इसी बात पर मैं तुम्हें पान खिलाकर छोड़ूंगी। ये कहकर उसने पानदान से एक बीड़ा निकाला और सेठ जी की तरफ चली। सेठ जी ने एक मिनट तक तो हाँ हाँ किया, फिर दोनों हाथ बढ़ाकर उसे हटाने की चेष्टा की, फिर जोर से दोनों ओठ बंद कर लिए। पर जब सुंदरी किसी तरह न मानी तो सेठ जी अपना धर्म लेकर बेतहाशा भागे। सौंटा वहीं चारपाई पर रह गया। 20 कदम पर आप जाकर रुक गए और हाँफ कर बोले, देखो इस तरह किसी का धर्म नहीं लिया जाता, हम लोग तुम्हारा छुआ पानी पी लें तो धर्म भ्रष्ट हो जाए। सुंदरी ने फिर दौड़ाया, सेठ जी फिर भागे। इधर 50 वर्ष से उन्हें इस तरह भागने का अवसर न पड़ा था। धोती खिसक कर गिरने लगी, मगर इतना अवकाश न था कि धोती बांध ले। बेचारे धर्म को कंधों पर रखे दौड़े चले जाते थे, न मालूम कब कमर से रुपयों का बटुआ खिसक पड़ा। जब 150 कदम पर फिर रुके और धोती ऊपर उठाई तो बटुआ नदारद। पीछे फिर कर देखा, सुंदरी हाथ में बटुआ लिए उन्हें दिखा रही थी और इशारे से बुला रही थी। मगर सेठ जी को धर्म रुपये से कहीं प्यारा था। 2-4 कदम चले फिर रुक गए। यकायक धर्म बुद्धि ने डांट बताई, थोड़े रुपए के लिए धर्म छोड़े देते हो, रुपए बहुत मिलेंगे, धर्म कहाँ मिलेगा? ये सोचते हुए वो अपनी राह चले, जैसे कोई कुत्ता झगड़ालू कुत्तों के बीच से आहत दुम दबाए भागा जाता हो और बार बार पीछे फिर कर देख लेता हो कि कहीं वे दुष्ट आ तो नहीं रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी तगादा, वाचन समीर गोस्वामी का था।